बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, हेल यू गाइस। तो आज का व्लॉग हमारा फाइनली काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बनाने का मूड हुआ है और काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो शूट करने का मूड हुआ है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज का सीन है कुछ ऐसा कि आज आपके भाई का छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन वही है, जुम्मे का दिन है आज। तो चलना है सबसे पहले छत की तरफ। छत की तरफ हमने अपने सारे जानवरों को दाना पानी जो कॉमन है वो सब करना है, लेकिन आज जो है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि मेरे पास जो सेव रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं छत पे जाके सारी डिस्कशन कंप्लीट करूंगा किस रिलेटेड से, जो पिंजरे नए बनने हैं, कौन है आदि बात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, आ जा। जो छत पे नए पिंजरे बनने हैं उस पर भी, और जो सोलर का पैनलों का काम होना है उससे भी। तो और दूसरा है हमारा सागी का काम। सागी का काम जो है वो वैसे तो अगली वीडियो में होगा, लेकिन आज जो है उसके कामों को सारा पकड़ना है। मतलब आज उसके सारे, उसके नट बोल्ट बेरिंग शेयरिंग सब जो है ना, वो सारे काम आज हमने पकड़ने हैं कि कौन कौन से काम हमने करवाने। और यानी कि 2 दिन बाद उसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, और काम शुरू होने के बाद उस दिन का व्लॉग होगा हमारा ऑन रोड, और उसको जो है बिल्कुल टाइट कर देंगे। पैसा बर्बाद पहन चुका बच्चे जो है हमारी जिंदगी में। चलते हैं परीक्षा, नीचे ही हूँ, आ रहा हूँ यार। फाइनली ये टोन छह तो माशाल्लाह से क्या गेड़ा गेड़ा कराता चलूंगा आपको। ये सारी चीजों ने मेरे जिंदगी को खुशहाल बनाया हुआ साले। हाँ भाई, 12 ने दांत निकाल ले, शर्म तो आती नहीं होगी। आ जा। अब जो मेन है ना सीन, वो कुछ ऐसा है कि इस वाली मुर्गी ने ना माशाल्लाह से हमारे पे ब्रीडिंग निकाल दी है पेयर, वो भी एक अंडा पड़ा है अभी भी, फिलहाल ही अंडे दे रही है। तो करना कुछ ऐसा है कि इस मुर्गी के अंडे उठा के कुड़क करने हैं, कुड़क करनी है ये वाली मुर्गी, क्योंकि अंडे माशाल्लाह से मेरे पास पूरे हो गए हैं, ये माशाल्लाह से भरे पड़े हैं। इसको एक अच्छी सी जगह ढूंढ के इसको कुड़क करके इसको अंडे वगैरह ना, जो काम आगे ब्रीड आगे बढ़े मेरी, जब तक के दाना पानी निपटाऊँ। धूप यहाँ पे टाइट हो रही है, दाना पानी निपटाने के बाद जो है ना वो यार ये बीमार हो गया था कल परसों। खुद ही गले लगा रही है कुछ ऐसे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो और फिर हमारे सेट्स के जो है नए बर्ड हैं वो भी आएंगे इंशाल्लाह। ये वाला मुर्गा भी अब हमारे पास सेट है। कैसे हैं आप सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे रह गया आपको? ये भी ओके ही है। बाकी ये वाला मुर्गा जो है ना हमारी जान, ये भी माशाल्लाह से दुम में पूरा होने वाला है, दुम में पूरा हो जाएगा इसके बाद। अच्छा, अब जो डिस्कशन थी मेन वो ये थी कि जो हमारे पीछे इन लोगों ने घर कंप्लीट हो गया इनका, सही है। अब यहाँ पर हमारा काम होता है शुरू। अब जो है हमारा काम शुरू होता है कैसे, जो भी मैं बताता चलूँ कि पैनल्स मैं यहाँ से हटा दूँगा, पूरी जगह ना ये सब हटा दूँगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा पिंजरा यहाँ पर बनेगा, दो बनेंगे क्योंकि ये तो एक दो, तो इसी तरीके से एक एक दो तीन चार पिंजरे यहाँ पे बन जाएंगे। चार पिंजरे ये हो गए जिसके अंदर हो सकता है तो मैं मुर्गे डालूँ, मुर्गे का फार्म शुरू करूँ, या हो सकता है लवबर्ड वगैरह का भी शौक उठाए आपके भाई को वो डाले। इसके बाद आते हैं इस जगह को, ये पिंजरा शायद ही मैं अपने पास रखूँ, ये मेरा किसी और का पिंजरा है, ये मैं वापसी दे दूँगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा पिंजरा इस जगह पे बनना है, एक दो मतलब 6 पिंजरे अभी तैयार होने हैं। और ये जब सोलर पैनल्स जो हैं वो इस जगह से फिर हट जाएंगे ऐसी तरीके से, छत आने के बाद उसके ऊपर इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे। तो बिना देर करे डालते हैं इनको दाना पानी, इनका सारा चारा वारा मुकम्मल करें। और डोडो कैसे हो? थोड़ा सुस्त हो रहा है ये नींद में। तो अब इनको दाना पानी करके ना फिर यहाँ पर जो है वो मुर्गी को सोचता हूँ किस जगह पे कूड़ा करना है, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ये ठंडी जगह, इनको बिल्कुल पक्की और ठंडी जगह पे ही कूड़ा किया जाए तो बेहतर है। इसके बाद जो है वो दाना पानी कंप्लीट करके मैं जाऊँगा नीचे, और फिर हम चलेंगे अपनी साकी को गाड़ी वाड़ी का काम हम जो है वो निपटाने के चक्कर। जी हम सारी ये सारी चीज़ें मैंने निपटा के ना साफ़ सुथरा कर दी है, और मेरी जो शक्ल का कलर है ना वो धूप ने बदल लिया है। मतलब मैं नीचे जाऊँ पता नहीं घर वाले मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि छत पे आने के बाद, क्योंकि आज लेट हो जाता हूँ काफ़ी छत पे आते हैं ना, जुम्मे का दिन है, आराम भी ज़रूरी है। और सीन है कुछ ऐसा कि छत माशाल्लाह से हमारी साफ़ सुथरी हो जाती है जब आपका भाई छत पे आता है, मेहनत करनी पड़ती है, धूप वूप कोई देखता ही नहीं। अभी ये देखें, ये देखें, ये हरकतें हमारे जानवरों की,
उनका सफाई, जिस दिन मैं सफाई करता हूँ ना उस दिन शाम में आके देखूंगा ना इधर पूरी मिट्टी भरी हुई होगी, ये इन लोगों को शर्म नहीं आती यार। अब चलते हैं नीचे, यहाँ का काम तो हम निपटा चुके हैं और धूप भी माशाल्लाह से काफ़ी प्रेशर में हो रही है, मतलब आज हमारे सोलर भी टायर वाले काम करेंगे। तो अब चलते हैं नीचे और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अपनी गाड़ी को, शायद अगर गर्मी थोड़ी ख़त्म हो जाती है तो भी ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं भी ख़त्म होती तो काम तो करने ही करने, हम अपनी गाड़ी को जो है वो इंशाल्लाह डिटेलिंग करना शुरू कर देंगे, उसको डिटेल में लाना स्टार्ट कर देंगे। और सलाम अलैकुम आफ्टर आ ब्रेक कैसा कि सो गए थे हम नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना वो हम सो गए थे, तो अब सीन है कुछ ऐसा कि अब अगले काम की तरफ चलते हैं। हम शाम के कोई पाँच बज रहे हैं, ऊपर चलते हैं, बैटरी वगैरह भी ले लूँ गाड़ी की, ऊपर जाके गाड़ी को ज़रा पुश करें, वहाँ से हटाएं, नीचे कुत्तियाँ ने दिए हैं बच्चे, डॉगी ने छोटे छोटे से बच्चे दिए हैं, वो बच्चे भी मैं आपको दिखाऊं, और पता नहीं कैसे गाड़ी हटेगी नहीं हटेगी, क्योंकि मुझे कल नहीं परसों काम पे उसको लेकर जाना है, काम कराने लेके जाना है, तो बहुत ही टेंशन बन जाएगी। तो मैंने सोच रहा हूँ कि कॉटन वगैरह ले जाऊं जिसमें उनको डालूं और उनको सेफ करा जाए वहां पे। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ से मैं यहाँ पर तो और कोई खास चीज़ है नहीं सिवाय बैटरी के, बैटरी ले लूँ यहाँ से मैं, ये रही गाड़ी की बैटरी, पता नहीं चार्ज भी होगी नहीं होगी, क्योंकि काफी टाइम से मैंने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, जब से पता चला है कि उसने बच्चे दे दिए हैं गाड़ी के नीचे तो फिर तो मैंने और ही हाथ नहीं लगाया। तो अब चल के देखते हैं क्या हम गैंग चेक डेट बटर मिश्ती किधर है, पहले लेते हैं इनके लिए एक डब्बा, डब्बे में केक, बल्कि इनके बच्चों को डाल के फिर लेके जाएंगे बाहर। यार फाइनली ये टिन नंबर कार जो है कि सीन ऐसा कि ये इसकी चाबी महीने बाद इसको हम देने लगे हैं सिलफ सीट इसकी, ओके करूँ कंडीशन में तब जरा हवा पेट्रोल डलवाएं, बिस्मिल्लाह रहीम, स्टीयरिंग द लॉक दे, मेरे को डर लग रहा है कि बैटरी लो है, तुमसे ना हो पाएगा। ऑफ द लाइट्स एंड बिस्मिल्लाह, चल मलंगा। ठंडा हो गया है तो बिल्कुल ही कोई इसका फ्यूल का कांटा क्यों इतना गिर गया, गाड़ी ने हमें फिर दिल करा दिए, इसमें पेट्रोल हो गया बिल्कुल ख़त्म, तो हम अभी फ्रेश 1010 का पेट्रोल लेकर आएंगे पंप से, फिर इसके बच्चों को भी इसकी गाड़ी के नीचे डाल देंगे वापसी। तो 1050 का पेट्रोल अपनी गाड़ी बीच पवाने के बाद अब डाला है खुद लागे यहाँ पर बोतल के अंदर, अब चेक करते हैं ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती, लाइट ऑन नहीं कर रहा मैं अभी, पहले तो देखो पेट्रोल आया नहीं आया, नहीं आया अभी भी नहीं आया, मेरे हिसाब से तो फ्यूल पम्प ख़राब हो गया गाड़ी का, यार मसला कुछ और है जाने मन खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हमारी गाड़ी ने हमें टाइट करके दिल्ली करके रख दिया है, गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी का फ्यूल पंप मेरे हाथ में ख़राब हो गई है, तो अब सीन है कुछ ऐसा कि गाड़ी को बंद करके आ गया हूँ बाहर ना, पीर वाले दिन इसको देखूँगा जो कि है परसों। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी तो लग गई है सही से, आपको शायद अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको मेरी ये शक्ल आपको बार बार दिखती रहे। जब तक के लिए मिलता हूँ आप अगली वीडियो में अगली दलालत के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।